ओमपाल प्रसाद, जेएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि छोटी बड़ी हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही दिल्ली के पंजाब भवन में आज हम आए हुए हैं, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह जी के वंशज हमारे साथ हैं, अभय सिंह संधू जी। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं अभय सिंह संधू जी की। सर, अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम अभय सिंह संधू, मैं शहीद आजम भगत सिंह जी के छोटे भाई सरदार कुलबीर सिंह जी का बेटा हूं और पंजाब में मोहाली में मेरा निवास है। सर, क्या लगता है आपको कि जिस समय इस भारत का सपना देखा था शहीद आजम भगत सिंह जी ने, आज उस भारत में आप रहते हैं, क्या वही भारत आपको मिल रहा है या कुछ अलग है? अगर अलग है तो क्या कमियां हैं? क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जी की लड़ाई कोई रंग से या जाति से नहीं थी, उनकी लड़ाई थी एक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। जो वो व्यवस्था जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज करने के लिए, गुलाम रखने के लिए बनाए गए कानूनों के मुताबिक होती थी, और आज भी करीब करीब वही कानून जो हैं वो लागू हैं। आज लैंड रिफॉर्म की बात करें तो 1895 के, 1860 के, 1902-3 के जो एक्ट हैं वो एज इट इज़ आज भी लागू हैं। तो ये उनकी जो सोच थी भी एक आज़ाद भारत होगा, हर मेहनत कश को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा, उसको कहीं ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, और हर किसान को उसकी फसल का जो है पूरा मुआवजा मिलेगा, इस तरह का उनका सोच थी, इस तरह की उनके भारत की निर्माण की बात थी। क्या आज जो 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 29 राज्य हैं भारत में जिसमें 20 राज्यों में उन्होंने सरकार बना ली है, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पार्टी ने इस भारत के लिए, हमारे देश के लिए कितनी उन्नति की है या कहीं कमी रह गई है? देखिए, ये 29 राज्य 20 राज्य में एक शासन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोगों ने उनको समर्थन दिया, उनको उनके जो वायदे किए थे उन्होंने उस पे लोगों ने उनको इतना भारी बहुमत दिया और ये केंद्र में इनकी शासन हुआ, और फिर उसके बाद में अलग अलग प्रांतों में जैसे जैसे इलेक्शन हुए, और जो अपोजिशन पार्टी आज है, कांग्रेस की कह लीजिए या क्षेत्रीय दल कह लीजिए, उनकी नाकामियों की वजह से इनको जो है प्रगति मिली और ये सारे राज्यों में अपना राज स्थापित करने में कहीं किसी हद तक कामयाब रहे। और जहाँ तक काम की बात है, बहुत से काम हुए हैं इस सरकार में, उनकी जो गति है वो बड़ी है, उसमें रेलवे की कह लें, एक सड़कों की बात कर लें, जहाजरानी की बात कर लें, परंतु जहाँ तक किसानों की बात थी, उनसे जो वादा किए गए थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर हम लागू करेंगे, आज 4 साल से ऊपर हो गए, किसानों खुदकुशी कर रहे हैं, उनकी वो मौत के अपनी आप को मौत के हवाले कर रहे हैं, परंतु सरकार बिल्कुल उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा कृषि प्रधान देश है और उसमें कृषि जो लोगों का अंत आता है, लोगों का पेट भरने वाला है, उसको खुदकुशी करनी पड़े, ये शर्मनाक बात है। आपकी क्या चाहत है, भारत कैसा हो? देखिए, शहीद आजम के मुताबिक मैं कहूँगा कि उनका कहना था कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक का शोषण जो है होता आ रहा है उसको खत्म होना चाहिए, एक प्रांत का दूसरे प्रांत के प्रति शोषण जो है वो खत्म होना चाहिए, अमीरी गरीबी का जो है डिफरेंस वो खत्म होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। आज चंद घराने जो हैं वो हिंदुस्तान पे, इस हिंदुस्तान की जो प्रॉपर्टी है, जो पूंजी है, उसका 80% से ज़्यादा वो लोग चंद घराने संभाले बैठे हैं। यही बात अंग्रेजों के टाइम थी, कुछ घराने थे जो हिंदुस्तान पे राज करते थे, सिर्फ चेहरे बदले हैं, कोई सिस्टम वही सिस्टम के मुताबिक आज भी चल रहा है, हिंदू सिखों में मुसलमानों में आपस में फूट डालनी, उनको आपस में लड़ाना आए दिन की बात है। तो उन्होंने उस समय आज से 80-85 साल पहले भी एक आर्टिकल लिखा था,
छुआछूत के ऊपर, जब उस समय भी दंगे होते रहे हैं तो उस पर भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, छुआछूत की वजह और उसका क्या उसका परिणाम है और क्या इसका इलाज है। दर्शकों, मीठी मीठी बातें हो रही हैं। जेएनएन न्यूज के आज मंच पर विराजमान हैं शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे अभय सिंह संधू जी। आज इनसे हम और पूछते हैं, अहम सवाल है ये कि भगत सिंह जी की वो कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे कार्य थे जो आज भी इनके दिल पर छाप छोड़ गए हैं। देखिए, शहीद भगत सिंह जी की शहादत को 87 साल के करीब हो गए हैं। परिवार में पिछले जो उनके बराबर के थे, हमारे चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, वो सारी वो एक जो लाइन थी वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनका एक विचारधारा थी, उस विचारधारा को हम लेके आगे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपनी एक जेल नोटबुक है, जेल डायरी उन्होंने लिखी, पीछे हमने उसका अनुवाद भी हिंदी में करवाया, तो वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वो एक मटेरियल है जो अपने आप में आज से 80-85 साल पहले जो उन्होंने लिखा है वो आज सारी चीज़ें आज के संदर्भ में लिखी गई लगती हैं। कि जैसे अभी वो लिख रहे हैं और आज जो हालात देश के बन रहे हैं वो सारा कुछ उसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ है। छोटी उम्र में, 23 साल की उम्र में तो वो ऑलमोस्ट फांसी के नज़दीक पहुंच गए थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने को पहली बार जेल में रखा गया, फर्स्ट अरेस्ट उनका 1927 में हुआ था। तो उनके ऊपर प्रभाव था अपने चाचा का, सरदार अजीत सिंह का, सरदार सोरन सिंह का, जो छोटी उम्र में सरदार सोरन सिंह तो उनको जेल में गोलू पे लगाया गया और 23 साल की उम्र में उनकी भी टीबी हो गया और उनकी डेथ हो गई। देखिए दर्शकों, कितनी बड़ी बात है कि कितने बड़े दुख उठाए हैं हमारे इन जांबाजों ने जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी बातें सामने आती हैं। और आज उनके परिवार, उनके वंशज अभय सिंह संधू जी के साथ हम बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं। उनके चाचा थे सरदार अजीत सिंह जी, जिन्होंने 1904-5 में पगड़ी समाज जट्टा एक आंदोलन चलाया, लाला लाजपत राय उनके साथ में थे, अरेस्ट हुए, जिमीदारों के लिए किसानों का वो आंदोलन था, किसानों की ज़मीनें जो सरकार दोबारा जब्त करना चाहती थी, उनको कुर्क करना चाहती थी, उसके खिलाफ जो कानून बना था उसके खिलाफ उन्होंने ये चलाया। और उस समय अंग्रेज फौज ने गोली चलाने से मना कर दिया, इतना भारी इकट्ठ हुआ था लाहौर में। उसके बाद दोनों को, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह जी को, मांडले जेल में भेजा गया। मांडले जेल से रिहा होने के बाद सरकार को बाद में पता चला कि ये अजीत सिंह वही था जिसने इतने आंदोलन चलाए और सारी एक्टिविटी रही, तो केसों की बुछार होगी उनके ऊपर, तो उनको यहाँ से छोड़कर जलावतन करना पड़ा और करीब 38 साल वो जर्मनी में, इटली में, अमेरिका, लेटिन अमेरिका में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में घूम घूम के उन्होंने वहाँ आज़ादी की लोग जगाते रहे। बर्लिन रेडियो से वो ब्रॉडकास्ट करते रहे और 1947 में उनका कहना था कि मैं जब मुझे अपना हिंदुस्तान का डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तब मैं वापस आऊँगा, तो इंटरन गवर्नमेंट बन गई थी, तो उस समय वो वापस आए। और उस समय की मौजूदा जो लीडरशिप थी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप ये जो समझौते करने जा रहे हो इसका बुरा असर पड़ेगा। तो उनका कहना था कि आप किसी के पास टेबल पे जा रहे हो बात करने के, वो कहते नहीं हम बातचीत करने जा रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। वो कहता ठीक क्या होगा, आप टेबल पे जा रहे हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से दे के उठोगे, लेने के लिए नहीं जा रहे आप। तो वो कहते भी नहीं नहीं हम करेंगे। तो उन्होंने पंजाबी में कुछ ऐसी कहावत कही कि ऐसे आसान नहीं है कि धोती बांध के आप और मूंगी की दाल खा के इस चीज़ को रोक सकते हो, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज नहीं देते तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो कुर्बानी देंगी। आज हम देख रहे हैं जैसे आज भी 4 हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर पे शहीद हो गए, अनडिक्लेयर्ड वार में हर रोज़ जो हैं
हमारी आर्मी के और आर्मी के बिना भी सिविलियन भी जो है वो बॉर्डर पे अपनी शहादत दे रहे हैं। संधू जी, आप शहीद आजम भगत सिंह जी के वंशज हैं, आपने अपने परिवार में रहकर कहानियाँ सुनी होंगी कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किए भारत के लिए, और वो अभी अभी आपने बताया भी। तो सबसे बड़ी बात है, क्या परिवार में ये भी पता लगा आपको कि उनको ये देश के हित में काम करने के लिए, राष्ट्र सेवा करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? मैंने जैसे बताया कि अब पिताजी थे वो आर्या समाजी थे, दादाजी आर्या समाजी थे। आर्या समाज भी उस समय एक कुर्तियों के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन था, तो सिख परिवार का आर्या समाज में जाना एक अलग सी बात थी, और वो गए। और जब तक वो हमारे परदादा जी सरदार अर्जुन सिंह जी जीवित रहे, वो हवन वगैरह उनका डेली का नित नियम होता था। फिर चाचा जो हैं, वो दो चाचा एक मतलब जिंदा हैं, उनका पता ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं। एक चाची है, मतलब दूसरे हैं, उनकी डेथ हो गई है। घर में दो चाचियां बैठी हैं जो उस समय भी 20-22 साल की उम्र में की उम्र की उनकी उम्र थी, और वो सारी चीज़ें देख रही। और फिर सबसे ज़्यादा जब करतार सिंह सराभा वहाँ से आए हैं अमेरिका से, तो उस समय बहुत बड़ी एक राशि थी, 10,000 रुपये किशन सिंह जी ने, हमारे दादाजी ने उनको उस गदर आंदोलन को बढ़ाने के लिए दिए। तो जैसे बताते हैं कि उनकी फ़ोटो हमेशा करतार सिंह सराभा की उनके पास रहती थी, किताबों में पढ़ने का शौक़ था, तो वो एक हर चीज़ को ये नहीं कहते थे कि आप भावुक होकर किसी लड़ाई को लड़ सकते हो, आप दलील से जो बात करनी है दलील से करो, दलील तभी आएगी अगर आपको नॉलेज होगी, आप कुछ पढ़ो। तो ऐसी बातें उनको जो है वो प्रेरित करती थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे अभय सिंह संधू, कैमरा पर्सन पूजा जौनवाल जी के साथ ओमपाल प्रसाद, JNN न्यूज़ दिल्ली।